हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शॉर्ट ट्रिक, जो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं। द शॉर्ट ट्रिक ऑफ EMW, शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को EMW भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है, तो हम लोग को एक सेंटेंस याद करना है। गाड़ी जो हमारे पास एक गाड़ी है, वो कौन सी गाड़ी है? XUV, और वो हमारी रेंज में है। तो गाड़ी XUV इन माई रेंज। ओके, गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो जो गाड़ी है, इसका जो जी है, ये आपका जी है, ये तो ये जी है। ये इससे क्या शो हो रहा है? गामा रेज। ठीक है, ये कौन सी रेज है? गामा रेज। और एक्स से एक्स रेज। ठीक है, ये एक्स है यहाँ पर, ये भी एक्स है, तो एक्स से एक्स रेज। और यहाँ पर यू है, ये तो यू से यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, ये भी यू है। और यहाँ से इन्हें, इनका आई लेंगे हम, और यहाँ पर भी आई है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये वीवी है। ठीक है, ये वीवी है, तो वी से विजिबल रेज, और इनसे आई लेंगे तो इन्फ्रा रेड रेज। ओके, और एम से, ये एम है, यहाँ पर भी एम है, तो ये कौन सी वेव्स हो गई? माइक्रोवेव्स। ठीक है, और ये रेंज में आर आ रहा है, और यहाँ पर भी आर आ रहा है, तो ये कौन सी वेव्स है? रेडियो वेव्स। ठीक है, तो गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो ये जी से क्या हो गया? गामा रेज, और एक्स से हो गया आपका एक्स रेज, यू से यूवी रेज, वी से विजिबल रेज, विजिबल रेज जो वेव ग्योर रीजन में आती है, वेव ग्योर। ठीक है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो विजिबल रेज में ये आते हैं, ये कलर। और आई फॉर इंफ्रा रेड रेज, एम फॉर माइक्रोवेव्स, एंड रेड फॉर रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये हमारी ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। और हमें एक बात और याद रखनी है, अगर हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी। गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स की होगी, एनर्जी इंक्रीज। ओके, और जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो होता है HC/λ। जिस वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी, उसका लैम्डा मिनिमम होगा, और जो लैम्डा है वो इधर की तरफ जाने पे है, लैम्डा मिनिमम होगा। ठीक है, वेवलेंथ है लैम्डा, वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है मिनिमम। ठीक है, और एनर्जी मैक्सिमम, मिनिमम होगा। और यहाँ पर जो रेडियो वेव है, इसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पर एनर्जी सबसे कम होगी रेडियो वेव्स की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर है ये एनर्जी का, एनर्जी गामा रेज की सबसे ज़्यादा होगी। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला एक और है, मैं आपको और बता दूँ। एनर्जी इज इक्वल टू H𝛎। तो एनर्जी जहाँ ज़्यादा है, वहाँ फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, तो फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पर जाने पर इंक्रीज होगी। ये फ्रिक्वेंसी है, इधर जाने पर इंक्रीज होगी। ठीक है, मैक्सिमम होगी फ्रिक्वेंसी। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह याद किया जाए, याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक ये है। ठीक है, इस तरह हम याद कर लेंगे और अपने सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम वेव लेंथ इज। ए ऑप्शन है एक्स रे, बी है गामा रे, सी है माइक्रोवेव, एंड डी विजिबल रेज। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा है इसमें। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी थी, वो सबसे ज़्यादा गामा रेज की थी। ठीक है, और जो लैम्डा था, वेवलेंथ, इसका ही सबसे मिनिमम था। ठीक है, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ मिनिमम होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए